एक गियरलेस स्कूटर में आपको क्या चाहिए होता है, उसकी माइलेज, उसका प्राइस कितना है, एक्चुअली कितना देती है वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और क्या वो कितनी जल्दी ओवरटेक कर लेती है, इस सब के बारे में आज हम देखेंगे। और आज हमारे साथ है एनटॉर्क जो TVS की तरफ से आती है, रेस एडिशन हमारे पास है, कितना प्राइस है सब कुछ उसका ओनर से हम पूछने वाले हैं। पहले उसकी स्कूटी की लुक्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो सब कुछ बताता हूँ, मैं बताऊँगा कैसी है ड्राइव करके या राइड करके एक्चुअली, और फिर ओनर से हम सब कुछ पूछेंगे उसे कितने की पड़ी और उसका एक्सपीरियंस कैसा है TVS वगैरह में। वैसे आज हमारे पास दो स्कूटी खड़ी हैं TVS की तरफ से। और इसके ओनर / ड्राइवर से हम ये भी पूछने वाले हैं कि आपने जुपिटर और एक्टिवा और भी जो बहुत सारी मार्केट में स्कूटर्स अवेलेबल हैं टू व्हीलर, उनके अलावा आपने ये वाला ही क्यों चूज़ करा, और आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये चूज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इसका थर्ड सुना देता हूँ, जो इसका 125cc का इंजन है, देखो एंड 125cc का इंजन आपको मैं सबसे पहले सुना देता हूँ, और डिस्प्ले के बारे में भी हम आपको बताएंगे और उनसे पूछेंगे रिव्यू कैसा इनका। हेलमेट कनेक्टेड नहीं है, वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, स्ट्रीट मोड पे अभी ये है। सबसे पहले मैं आपको इसका थर्ड सुना देता हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करके फिर आगे की बात करेंगे। जो डबल स्टैंड मिक्सर स्कूटी में होता है वो उसका व्हील स्पिन नहीं हो रहा स्टार्ट होने के बाद। चलो ठीक है, बंद कर दिया, टाइम वगैरह सब कुछ दिखाते इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे एक दूसरी वीडियो भी बनाने वाले हैं, जो इसमें 4 साल पहले स्कूटी थी और आज हमारे पास जो स्कूटर अवेलेबल है 4 साल और 4 महीने पुराना, तो इन दोनों का भी एक कंपेरिज़न हम बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट करते हैं पीछे से। यहाँ पे हमें लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए, यहाँ पे TVS की बैजिंग, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट, फिर दो इंडिकेटर्स, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, और एनटॉर्क 125 रेस एडिशन की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और पीछे ही हमारा इसका बाहर निकला हुआ जहाँ से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका इंजन देख सकते हो कितना दिख रहा है बाहर। आगे के हैंड क्लस्टर में हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये हाई बीम वाला सिस्टम जो आजकल के स्कूटियों स्कूटर्स में ज़्यादा नहीं दिखता है। फिर हमारे पास यहाँ पे उसके नीचे इंडिकेटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके नीचे हॉर्न, जो सब कुछ ब्लैक एलिमेंट में देखने को मिलता है, और 125 एडिशन रेस एडिशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मोड और सेट आप यहाँ से कर सकते हो, इको पावर आपको दिख रहा होगा, अभी स्क्रीन बंद है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ये सब कुछ। यहाँ पे आपको जो पावर कट या जो सप्लाई कट है वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पे जब आप दोनों इंडिकेटर्स ऑन करना चाहते हो तो वो वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके नीचे आपको स्टार्ट करने का, इलेक्ट्रिक स्टार्ट करने का देखने को मिल ही जाता है। फिर वही हमारे पास की वाला सिस्टम जो अक्सर आता है सारी स्कूटर्स में, मेरे पास भी अभी तक यही मिल रहा है, और इसमें कोई सीट वगैरह का ऑप्शन नहीं है पीछे खोलने का। ठीक है, आपको अगर लॉक करना है तो वही पुश करके करना होगा। ठीक है, ये जो मेरे स्कूटर का शुरू से ही ख़राब है ये होल्डर, इनका इजीली बंद हो जाता है, मेरा नहीं होता अभी तक। फिर अगर आप पीछे से लुक देखो, एलिमेंट्स मैं आपको क्या क्या बताऊँ जो एक स्कूटर में होता है वही दिख रहा है हमें। यहाँ से हमें सब खोलने को देखने को मिल जाता है, राइट साइड में डिग्गी या फिर हेलमेट स्पेस, और लेफ्ट साइड में पेट्रोल का। अगर मैं आपको डिग्गी का स्पेस खोल के दिखाऊँ तो देखो, नए स्कूटर्स में हमें फ़र्स्ट एड किट और टूल किट वगैरह सब कुछ मिल जाती है, मेरे में भी थी, अब वो गायब हो गई, मतलब मैंने फेंक दी। ठीक है, इसमें हमें लाइट देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा मेन एलिमेंट बूट में आपको लाइट कैम देखने को मिल रही है लाइट। फिर आपको एक USB चार्जर, जो यहाँ से USB चार्जर देखने को मिलता है, मुझे लग रहा है थोड़ा काम का है भी और नहीं भी, क्योंकि जैसे अभी मैं अपने स्कूटर पे आया उसमें नहीं है, और मेरे को चार्ज करना था क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बैटरी नहीं है।
तो अगर मेरे पास ये होता तो मैं ज़रूर चार्ज करके आ जाता, लेकिन TVS वालों ने खुद ने मुझे बताया कि उससे बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है तो उसे मत ही डलवाओ, ठीक है, वरना उसमें ऑप्शन था कि आप डलवा सकते हो बाद में एसेसरीज ऐसा। फिर आपको वाइट लाइट देखने को मिल रही है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, और इतना बूट या डिगी स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें ऑफकोर्स फुल हेलमेट तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगा, लेकिन फुल हेलमेट शायद मेरे में नहीं आता, शायद इसमें आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है, एक्चुअली में डीप है ये, ठीक है। और अगर आप डिग्गी खोलो तो ये ऐसी दिख रही है कुछ, तो अभी इसे बंद कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि एक बार ये मारने से ऐसे ही बंद हो जाती है या मेरी तरह, मेरी स्कूटी की तरह। और ये शायद हो गई, ये देखो हो गई, मेरी स्कूटी ऐसी अक्सर नहीं होती है बंद, ठीक है। अब आगे से हम दिखा देते हैं इसके ये दो इंडिकेटर्स, वैसे वो वाला इंडिकेटर वाला ऑप्शन ऑन कर दूँ तो मैं देखो कि अब इसके इंडिकेटर्स हुए, हाँ बिल्कुल देखो, ठीक है। अब इसके हेडलैम्प्स मैं उनसे पूछूंगा कैसा थ्रो है, आपको कैसा दिखता है। ये इसके DRLs और हेडलैम्प्स, इसमें LED बल्ब्स शायद हैं हमें देखने को मिल जाते हैं, और वो भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, अभी जला के दिखाऊंगा। आगे हमें इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, ठीक है, और व्हील टायर साइज़ में अगर आपको बताऊं, वैसे ओनर से मैं सब कुछ पूछूंगा कितनी माइलेज वगैरह दे रही है, तो इसका जो टायर साइज़ है वो है 130 and 12, और पीछे वाले का भी 180 and 12, ठीक है, तो डिफरेंस रहता है आगे पीछे वाला। सस्पेंशन वगैरह आपको सब कुछ यहीं से दिख रहा होगा, मैं ओनर से ही सब कुछ पूछूंगा कि आपको कैसी लगी। 3 valve है, ठीक है, हमारी स्कूटी की में ऐसा कोई बैजिंग वगैरह नहीं है, 3 valve वगैरह, TVS का बस एक इंजन, उसका बाद में कंपैरिजन करें। ये हमारे इसके ओनर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मार्केट में इतने सारे अवेलेबल थे, एक्टिवा है बहुत ज़्यादा चल रही है, जुपिटर बहुत ज़्यादा चल रही है, और एक्सेस वगैरह भी है, तो आपने एंटॉर्क वो भी रेस एडिशन ही क्यों चूज़ करा? फीचर्स है इसमें, फुल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है फ़ोन से, और इसमें एक वो है पार्किंग लाइट जो बहुत कम स्कूटीज़ में अवेलेबल है, और लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया हैं बस। तो इन्होंने फीचर्स, ग्राफिक्स और फीचर्स जो इसमें, ये वाला मेन हमने इन्होंने हमें बताया, ये जो भी मैंने ऑन किया हुआ था इंडिकेटर जो दोनों साइड के जलते हैं, और ग्राफिक्स वगैरह अच्छे बता रहे हैं ये, और इन्हें इनकी लुक्स पसंद आई और स्पोर्टी लुक्स थी इसकी, है ना, ठीक है। तो ये 125cc वाला इंजन है, इसका 110cc वाला हुआ करता था, और शायद अभी भी इसका 110 वाला ही है, जो जुपिटर आती है उसमें 125 वाला ऑप्शन अभी तक नहीं आया। इसमें ट्यूबलेस टायर, हाँ ट्यूबलेस टायर तो इसमें भी थे खैर। और अब बताओ कि इसकी माइलेज वगैरह कितनी दे देती है? 40 to 45 है। तो आपने नाप के देखा? हाँ, तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने टैंक टू टैंक करके देखा है, तो 40 to 45 तो ये दे ही देती है आराम से, ठीक है। और आपको ओवरटेक करने में, जैसे किसी को ओवरटेक करना है तो कोई 50 की स्पीड पे चल रहा है तो आप उसे इजीली कर लेते हो? हाँ इजीली हो जाता है। और मैक्सिमम स्पीड आपने कितनी भगाई होगी इसकी? वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आप बताओ कितनी? 70 to 75 तक गई है। 75 इन्होंने करी हुई है। स्पीड 105 तक है, 105 तक है इसकी टॉप स्पीड, ठीक है, 105 तक इसकी टॉप स्पीड बता रही है, लेकिन इन्होंने 75 तक सेफ चलाया, वेरी गुड। और अब ये बता दो मेन पॉइंट, आपको कितने की पड़ी, कितने महीने पहले ली थी आपने? शायद लॉकडाउन में ली, फेब में ली थी, इसी फेब में 2021 में। वैसे इसकी प्राइस 96 थी, हमें 1 पड़ गई पूरी इंश्योरेंस लगा के, 1 lakh की पड़ गई। तो इन्होंने ली थी फरवरी 2021 में, और इन्हें पड़ गई थी ये अराउंड 80 कितने की, 1 lakh की, पूरे 1 lakh की इंश्योरेंस मिला के, और बिना इंश्योरेंस वगैरह के रजिस्ट्रेशन, वैसे 96 वगैरह की थी, ठीक है। और आप बता रहे थे कि आपने लोन वगैरह लिया था, तो उसके बाद और चार्जेस वगैरह थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में लोन से ही निकलवाते हैं। 1 lakh 15 की पड़ गई थी। तो लोन के बाद 1 lakh 15 की पड़ेगी, कितने कितने की EMI बनी? 4500 पर मंथ, 4500। और कितने टाइम तक 4500 पर मंथ, कितने टाइम तक? 1.5-2 साल के लिए।
डेढ़ से दो साल तक की बनी है इसकी, एग्जैक्टली तो नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा चला के देख लेते हैं अभी से, फिर मैं आपको बताता हूँ चलाने में, और मैं अपनी से कंपेयर करूँगा तो बताऊँगा कैसी है चलाने में। यहाँ पर मैंने ऐसे इसके छोड़े बहुत मतलब राउंड लगाए, और मैंने फिर पता करने की कोशिश करी इसमें कहाँ कहाँ पे हैंडलिंग पे, टर्निंग पे, या फिर स्पीड में, ब्रेकिंग में, सस्पेंशन में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या सही चीज़ें हैं, तो उसे अगली वीडियो में मैंने डाला है आपके लिए। इस टाइम पे मैं स्कूटी नहीं चला रहा हूँ, जो मैंने पहले चलाई थी उसके हिसाब से एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। ठीक है, अभी ये मैं बस शूटिंग के लिए इसे चलवा के देख रहा था इसके लुक्स वगैरह रोड पे कैसे लगते हैं। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वो मुझे ठीक लग रहे थे, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। ठीक है, और अगर इसकी पावर की बात करूँ तो मुझे अपनी जो पहले जुपिटर है उससे तो ज़्यादा ही लग रही थी। ठीक है, और आपको ज़्यादा थ्रोटल नहीं करना पड़ रहा था, मतलब ज़्यादा रेस नहीं देनी पड़ रही थी इसे ज़्यादा स्पीड में भगाने के लिए। ब्रेकिंग की अगर मैं बताऊं बहुत ज़्यादा इंस्टेंट भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं था कि आपकी स्कूटी चले जा रही है ब्रेक दबाने के बाद भी बन। ठीक है, तो मुझे सब कुछ एकदम कंट्रोल्ड लग रहा था। 40 तक की स्पीड मैंने चलाई थी, ठीक है, उस टाइम पे सेफ रहने के लिए, तो 40 तक मुझे एकदम कंट्रोल्ड लग रहा था। ठीक है, तो स्कूटी बेस्ट है अगर आपको स्पोर्टी वगैरह लुक्स में चाहिए तो। बताओ पहले तो इसका हेडलैम्प का थ्रो कैसा है, रात को ढंग से दिख जाता है? और LED है ये, वाइट बिना लाइट ऑन किए जो उसमें पहले से ही ऑन रहती है, उससे हाँ ही दिख जाता है, मतलब DRL से ही दिख जाता है। ये कह रहे हैं जो वाइट DRL इसमें दी हुई है ये वाली है ना, इनसे ही दिख जाता है, और दूसरी जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वैसे जला लिया करो। और कोई मेन बात जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता वो आप बताना चाहो इस वीडियो के थ्रू। इसका चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है चलाने का, हाँ वो मुझे भी अच्छा, एकदम अच्छा। हाँ, पिकअप मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि एक तो 125cc का इंजन है, और ये रेस एडिशन सिर्फ ये ग्राफिक्स वगैरह के लिए दिए हुए हैं, फीचर्स के लिए दिए हुए हैं, या फीचर में बस कि पार्किंग लाइट है और ये ग्राफिक्स है इसके वो ज़्यादा सही है। अच्छा, रेस एडिशन में बस ये पार्किंग लाइट दी हुई है इन्होंने और ग्राफिक्स वगैरह दिए हुए हैं ज़्यादा, इंजन में कोई चेंज नहीं है जो नॉर्मल वाली आती है। ठीक है, और आपने एसेसरी वगैरह ली थी कुछ TVS वालों से? अभी तक नहीं। और ये जो मिरर्स वगैरह थे वो इसके साथ ही आए थे? हाँ, साथ में। और TVS के साथ एक्सपीरियंस कैसा, सर्विस करवाई अभी तक कोई? हाँ, एक बार करा, एक साल था तो उतना सही नहीं हुआ, एक ही जगह खुला हुआ था तो एक हफ्ता लगा दिया। एक हफ्ता अंदर खड़ी रही थी स्कूटी। और कॉस्ट वगैरह कितना था? फ्री होगी वैसे तो फर्स्ट सर्विस, फ्री तो थी, लेकिन जो ये ग्रे पैनल है ये चेंज हुआ था क्योंकि पूरा। अच्छा, ये इनका पूरा किसी ने स्क्रैच वगैरह मार दिया था, ये 950 तो इंश्योरेंस नहीं लिया था? हाँ लिया था, तब वैसे हमारे चार्जेस 8000 रुपया खर्चा था, इसमें कुछ लोग टूट गए थे। अच्छा, वैसे पूरा 8000 का खर्चा था, लेकिन इंश्योरेंस लगा के 3000 हो गया था, इंश्योरेंस की वजह से 3000 हो गया था। वैसे मैं बताऊँ मेरा पूरा आगे का वो वाला पैनल चला गया था ऐसे ही एक्सीडेंट से, गिर गई थी वो। ठीक है, तो उसमें कुछ 10-20 रुपये लगे थे फाइल चार्जेस वगैरह के, और पूरा चेंज करके इंश्योरेंस नहीं दिया था। ठीक है, अभी हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। पहले जो इसमें अभी दिख रहा है ना वो मैं बता देता हूँ, टाइम, फ्यूल, और ये स्ट्रीट मोड, ये मोड यहाँ से चेंज होता है, खड़ी खड़ी दो मोड है, खड़ी खड़ी में चेंज कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। तो ये इनका ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ना, तो फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए, अभी आया था हेलो हर्ष जो इनका नाम है, और दिल्ली लोकेशन फ़ोन से पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये इनमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और ये फ़ोन की बैटरी दिखा रहा है, और ये फ़ोन का नेटवर्क जो उसके ऊपर है, हीटिंग का जो इतना इंजन ही। हाँ, ये तो हीटिंग का है, टेम्परेचर है तो कूल हीट। ये साइड में जो इसका छोटा सा पॉइंट है, फ़ोन की बैटरी, फ़ोन की बैटरी, और उसके ऊपर फ़ोन आएगा ना तो यहाँ पे ग्रीन लाइट चलने लगेगी। तो जब फ़ोन आएगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट भी चलने लगेगी, तो आपको डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं होता? नहीं। और जब फ्यूल जब लो हो जाएगा ना तो यहाँ पे ऑरेंज लाइट चलने लगेगी, फ्यूल के लिए ऑरेंज लाइट, और ये इंजन में जो प्रॉब्लम वगैरह होती है उसके लिए होता है। पहले के स्कूटर वगैरह में नहीं आता था, गाड़ियों में ही आता था, लेकिन अब स्कूटर में भी डाल दिया। यहाँ पे कुछ एक करके दिख रहा है मुझे। हाँ, ये तो ऐसी है,
और ये हाई बीम का, यहाँ पे हमें कितने किलोमीटर चल चुकी है वो है, कितनी ट्रिप है इसमें, ए और बी, दो ट्रिप का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर, और ये ब्लूटूथ का साइन, और कुछ भी जो लोगों को ना पता हो या मैंने अभी तक वीडियो में ना बताया हो। इसमें दो मोड्स हैं, एक स्ट्रीट मोड और एक रेस मोड। स्ट्रीट मोड में है कि जो फ्यूल है हमारे कम जाएगा। अच्छा। और रेस मोड है रेसिंग के लिए, उससे फ्यूल ज़्यादा जाने के चांस है और इंजन में जो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो दो मोड हैं इसमें, स्ट्रीट और रेस मोड। ठीक है, जो रेस मोड है ये नॉर्मल वाले TVS में भी आता है, बस रेस एडिशन में आता है। रेस में आता है, रेस एडिशन में वो वाले हमें, तो उसमें मोड नहीं दिखते, मतलब मोड का बटन नहीं उसमें है, मोड का बटन है लेकिन उसमें रेस मोड। तो कौन कौन से मोड है मेरे ख्याल से उसमें भी होगा, रेस का नाम नहीं दिया होगा तो कोई और मोड दिया होगा, स्पोर्ट मोड दिया होगा। एक और एडीसी में आ रहा है रेस एक्सपी, वो भी अच्छा, उसमें क्या तो स्कूटर्स में ही वॉइस असिस्टेंट वगैरह डाला जा रहा है, एंटोर्क रेस एक्सपी का एक और नाम से आ रहा है वो वाला। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया मुझे, वो वाला मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मोड से आपको माइलेज वगैरह कम मिलेगी स्ट्रीट में, और नहीं माइलेज स्ट्रीट में ज़्यादा मिलेगी, स्पोर्ट में कम मिलेगी, और ऑफकोर्स स्पोर्ट में तेज भागेगी और स्ट्रीट में कम भागेगी। और ये हमारे पास ब्रेक का लॉक है, हैंड ब्रेक जिसे कह सकते हो आप। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है इसकी, जिस स्पीड में जाती है ये कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला है। ये हाफ क्लच होता है, अगर कोई सीख रहा हो ना उसके लिए भी काम आता है, वो ज़्यादा स्पीड में, अगर ये पूरा खींच भी देगा तो ये ज़्यादा नहीं जाएगी। अच्छा, ये हाफ कर रखा है, हाफ क्लच है ताकि ज़्यादा स्पीड में ना जाए। ब्रेक भी है, हाँ हैंड ब्रेक पूरा हो जाता है। ठीक, और इसमें वो नहीं दिया हुआ ना, इसमें जैसे हमें स्कूटर में ये पहले देखने को मिल जाया करता था, अब हमें ये नहीं है। हाँ, इसे जब ये स्टार्ट होने में दिक्कत होती है ना, तो हम इसे चोक करके कर सकते हैं, लेकिन आजकल के स्कूटर्स में नहीं आता, मैंने देखा ये। ठीक है, तो बस इतना ही था वीडियो में। तो आप दोनों को कहना चाहोगे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जल्द आपके लिए दूसरे वाला स्कूटर है उसका और लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं देने वाला हूँ। अराउंड 5 साल हो जाएंगे मुझे उस स्कूटर को चलाते हुए। ठीक है, तो जुपिटर का मेरा 5 साल का कैसा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और नई नई स्कूटर्स वगैरह ऐसे आते रहेंगे इलेक्ट्रिक। हाँ, एक और बात, आजकल इलेक्ट्रिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है, और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, मैंने देखा 1 लाख के स्कूटर 50,000 में दे रही है दिल्ली गवर्नमेंट, तो आपने इलेक्ट्रिक क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रिक में अगर मान लो हम जा रहे हो कोई यहाँ पे, इलेक्ट्रिक का हर जगह चार्ज भी तो नहीं, हाँ अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है, पंप पे अगर वो सब हो जाए चार्जिंग का सिस्टम तब लिया भी बहुत, तो अभी तक इन्होंने इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं ली बस क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन अगर मैं अगला स्कूटर अपना लूँगा मैं तो इलेक्ट्रिक लूँगा, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना ज़्यादा जाना नहीं होता, मतलब जो अपने बस आसपास के काम ही होते हैं ना वही करने होते हैं, तो मैं तो जब भी लूँगा इलेक्ट्रिक ही लूँगा नेक्स्ट। ज़्यादा बजट है तो रेस एक्सपी के लिए जा सकते हैं। और एक और इनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई है, अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो आप रेस एक्सपी एडिशन की तरफ जा सकते हैं। 5-6 हज़ार का ऑप्शन स्कूटर में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पर स्कूटर की तरफ और भी बहुत फीचर ऐड किए जाए। वॉइस असिस्टेंट के लिए आप उसमें वो XP वाला वेरिएंट ले सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू वीडियो के लिए।